हेलो एवरीवन, मौसम बदल रहे हैं, ठंडी से गर्मी हमने फेस किया और अब न्यू सीजन जो हम फेस करने जा रहे हैं गर्मी के बाद मॉनसून, बारिश हो रही है जो सबको पसंद है। हर एज ग्रुप के बच्चे हों बूढ़े हों, सारे लोगों को बारिश में भीगना एंजॉय करना बहुत पसंद है। हमें एंजॉय करना अच्छा लगता है, बट हम अपनी बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट करें, इन्फेक्शन से कैसे बचाएं, या ये कह सकते हैं कि अपने इंटेस्टाइन को कैसे फ्री रखें ऑल काइंड ऑफ डिजीज से। बारिश आ रही है, बाहर मत जाओ, बीमार हो जाओगे, कुछ ऐसा मत खाओ, स्टमक इन्फेक्शन हो जाएगा, या लूज मोशंस हो सकते हैं, या डिहाइड्रेशन हो सकते हैं, मलेरिया हो सकती है, कोई भी ऐसे बीमारी से कैसे बचे। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं, मैं डाइटिशियन कामिनी, आज मैं डिस्कस करती हूँ मॉनसून डाइट के बारे में, कि मॉनसून में क्या ऐसी चीज़ें हम करें, क्या डूज एंड डोंट्स करें, जिससे अपनी डाइट के साथ अपनी डेली रूटीन लाइफ को मेंटेन करके मॉनसून को हम अच्छे से इंजॉय करें। इसे इंजॉय करना है, स्पॉयल नहीं करना। तो पहली ऐसी चीज़ें क्या है जिस पे हमें वर्क करना चाहिए ड्यूरिंग मॉनसून, हमें अपनी डाइट के साथ अपनी रूटीन को भी मेंटेन करना है। अगर मैं रूटीन मेंटेन की बात करूं तो सबसे पहले हमें एक्सरसाइज को नहीं छोड़ना, हमें डेली रूटीन में एक्सरसाइज करनी चाहिए। बॉडी के टेम्परेचर को वो मेंटेन करती है, मॉनसून में हमारी बॉडी के टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो फीवर के चांसेस, नॉर्मल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बारिश में भीगने के बाद अपने क्लोथ्स को चेंज करना है एंड ल्यूक वार्म वाटर से बॉडी को क्लीन करनी है, सो दैट कोई भी जर्म्स इन्फेक्शन आपके बॉडी पे ना रहे, आपकी बॉडी को क्लीन करे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारी बॉडी की टेम्परेचर मेंटेन रहती है। आप बारिश में भीगे हैं, बॉडी कोल्ड है, उसके बाद अगर आप नॉर्मल वाटर से बात लेते हैं तो मे बी इन्फेक्शन के चांसेस के साथ साथ कोल्ड एंड कफ के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सुना हमने, किसी ने कहा कि कर्ड नहीं खाओ, किसी ने कहा पालक नहीं खाओ, बट ये क्या है, दिस इज मिथ या फैक्ट? तो चलिए डिस्कस करते हैं कि पालक खा सकते हैं या नहीं, हरे पत्तेदार सब्जियां बारिश में क्यों अवॉइड करनी चाहिए, या हमें कर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। तो जी हाँ, बेसिक डेफिनेटली हमें कर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, बट वो कर्ड फ्रेश होनी चाहिए। फ्रेश कर्ड हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया के ग्रो को नॉर्मल करता है, हमारी डाइजेशंस को प्रॉपर करता है, बट कर्ड हमें ब्रेकफास्ट और लंच पे ही लेना है। खट्टी दही का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करनी है, फ्रेश कर्ड का इस्तेमाल करेंगे, फ्रेश कर्ड होंगे तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल है। अगर हमने खट्टी दही का इस्तेमाल किया, अगर नाइट में किया, तो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन के साथ कोल्ड कफ एंड फीवर को भी वो इन्वाइट करते हैं। दिस इज मेन रीज़न कि लोग कहते हैं कि कर्ड नहीं खाओ, बट कर्ड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बट राइट टाइम एंड राइट क्वान्टिटी एंड राइट पोर्शंस इसके साथ लेना चाहिए। अगर हरे पत्तेदार सब्जियों की बात करो, बहुत कहते हैं नहीं नहीं यह बारिश है, सब्जियाँ कम खाओ, हमें बेसन की सब्जी खानी चाहिए, हमें कड़ी खाना चाहिए। क्यों? अगर उसी चीज़ को हमने क्लीन की तो बारिश पे छोटे छोटे कीड़े होते हैं आपके किसी भी सरफेस पे, वो बहुत अच्छे से चिपक जाते हैं, तो हमें उसे क्लीन करना चाहिए। क्लीन करने के लिए हमें ल्यूकवॉर्म वाटर में सॉल्ट ऐड करके ग्रीन लीफी वेजिटेबल या नॉर्मल वेजिटेबल्स को क्लीन करने हैं, उसके बाद अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है, जिससे हम अपनी डाइट को पूरी तरीके से हाइजीनिक वे में इस्तेमाल करें और अपनी फूड में सैनिटेशन हाइजीन मेंटेन करके स्टमक इन्फेक्शन को कंट्रोल करें। ये तो डाइट से रिलेटेड हो गए। पानी, पानी का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, वाटर इनटेक अगर प्रॉपर नहीं है तो स्टमक इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, तो हमें हमेशा आरओ वाटर का इस्तेमाल करना चाहिए, बाहर का वाटर कम से कम इस्तेमाल करें। और अपनी डाइट में अगर आपको कोई भी स्टमक इन्फेक्शन होते हैं तो आप पानी को बॉयल करके उसे छन्नी से छान के ठंडा करके पूरे दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी में स्टमक में किसी भी इन्फेक्शन को वो कंट्रोल करेंगे। अब बाहर जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, पानी कैसे मेंटेन करें, भूख लगती है तो क्या करें, तो आउटसाइड स्ट्रीट फूड अवॉइड करेंगे, ऑयली फूड अवॉइड करेंगे, बिकॉज ऑयली फूड के डाइजेशन प्रॉपर नहीं होते, हमारा मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्लो होते हैं ड्यूरिंग मॉनसून, तो हमें मेटाबॉलिज्म
को हाई करने के लिए, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए हमें फिजिकल एक्टिविटीज करनी है। अपनी डाइट में जिंजर, टर्मरिक, पेपर, इस टाइप की चीज़ों का इस्तेमाल करना है जिससे बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे। फिजिकल एक्टिविटीज करने के साथ, इन चीज़ों के इस्तेमाल के साथ हमारी बॉडी की टेम्परेचर के साथ हमारी मेटाबॉलिज्म भी हाई होती है। तो ये तो ऑयली फूड हो गए, एक्सरसाइज हो गए, वाटर इनटेक हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए। मैंने स्ट्रीट फूड बना किया क्यों? बिकॉज वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ वाटर दे आर यूजिंग। बाहर के स्प्राउट्स बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। जो आउटसाइड आपको स्प्राउट्स मिलते हैं, वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ वाटर दे आर यूजिंग। वो सोक करते हैं, कंटामिनेटेड होते हैं, उससे हमारी बॉडी के इन्फेक्शंस और भी बढ़ेंगे। और हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए हमें इन सब चीज़ों का इस्तेमाल अपनी डाइट में प्रॉपर अच्छे तरीके से करना चाहिए। तो चलिए, हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, तो इन चीज़ों को अपनी डाइट में फॉलो करें, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके मॉनसून को इंजॉय करें, स्पॉइल ना करें। तो प्लीज़ ईट हेल्दी, बी हेल्दी। थैंक यू।